आप थोड़ा सा उसको यानी कि एलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चे जो ना, मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। जैसे बच्चे दूसरों की चीजें ले लेते हैं तो हम उनको बताएं कि ये बुरी बात है, या किसी को मार के आ जाते हैं, या बड़ों पे अगर हाथ उठा देते हैं, तो ये चीज तो फिर उसको डिसिप्लिन करना हमें जरूरी है ना, कि हम या गुस्से में अगर कर रहे हैं तो हम जब वो उनका टेंट्रम उनका खत्म हो जाए तो बाद में हम उनको बताएं कि ये चीज ठीक नहीं है। तो ये चीज तो मैं सोच रही थी कि ये डिसिप्लिन में आती है, जबकि आपने उसमें कहा था कि वो एज ऑफ डिसिप्लिन नहीं है। और बाकी जैसे बच्चे जो है अपनी एज के हिसाब से चीजें करते हैं, कि बेड पे या सोफे पे जंप कर रहे हैं या शाउट कर रहे हैं, तो वो चीज भी हम उनको बताते हैं ना कि वो ठीक नहीं है, बल्कि बेड किस चीज के लिए होता है, उसका पर्पस क्या होता है। दूसरा ये था कि आपने फिर कहा था कि अबव 12 एज जो है, एज हो जिसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बच्चे का डेवलप होता है, कि जमीर बच्चा उसको उसके इतने से उसका जमीर वो हो रहा था जिससे वो रिलेट करता है। तो अब मैं कुछ जैसे मैं बच्चे को मैं जैसे अगर अपने बेटे को जो 3.5 साल का है, तो मैं उसको कभी पानी वेस्ट करता है तो मैं उसको इस तरह से बोलती हूँ कि अगर आप पानी वेस्ट करेंगे तो आपने जैसे अल्लाह ताला को हिसाब देना है। तो आप कभी वो छुप के बच्चे कुछ चीजें खा रहे होते हैं, जैसे अगर सॉफ्ट ड्रिंक है या वो जो मना किया है तो वो छुप के खाते हैं क्योंकि तो उनको पेरेंट्स मना कर रहे हैं। तो मैं उस बच्चे को कहती हूँ कि वो आपको अल्लाह ताला देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही, आपके फादर नहीं देख रहे, लेकिन आपको अल्लाह ताला हर वक्त देख रहे होते हैं। और यानी कि मैं उस चीज उस बच्चे में, क्योंकि हमें जो टीचर्स ने हमें टीच किया है ना कि आप बच्चे को अल्लाह ताला से जोड़ें, तो उसका अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाए, तो ये चीज भी जमीर में आती है ना, कि आप बच्चे को बच्चा जज करता है कि ये ठीक नहीं कर रहा। तो ये भी मुझे फिर आपकी वीडियो सुन के फिर लगा कि शायद ठीक नहीं है, बल्कि हमें 12+ एज पे बच्चे को ये बतानी चाहिए चीजें। जजाकल्ला। नो थैंक यू फॉर सच अ डीप क्वेश्चन, डिटेल भी आपने बताई है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं कि अल्लाह से जोड़ने का जो मामला है ना, वो अल्लाह ने बच्चों को अपने साथ खुद ही जोड़ा हुआ है। जो अल्लाह से जोड़ने का कोई एग्जाम्पल देखनी हो तो छोटे बच्चे को देखना कि अल्लाह ताला से कोई चीज जुड़ी हो ना तो वो बच्चा होता है। बस ये पहले से अल्लाह ताला ने उस बच्चे के, जब एक बच्चे के ऊपर सवाल जवाब नहीं है ना, उसका मतलब है वो बच्चा क्लीन फ्रॉम एवरी सिन है। ठीक है, सो ये बात कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी में क्लियर करें कि अल्लाह से जोड़ने के लिए आपको जो उसका मतलब होता है वो होता है कि मैं अब तमाम तर काम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे के तो दिमाग नहीं है कि वो अल्लाह के लिए काम करने की उस एसेंस को समझ सके। सो लेट्स नॉट गिव हिम डीपर कॉन्सेप्ट्स एट द एज ऑफ 8, 7, 5, 6, 9, 10। ये इज टू यंग टू अंडरस्टैंड, इज गोना बी अफ्रेड। जो टेक्निकल मिस्टेक जो मुसलमान करते हैं, अपने बच्चों को प्री मेच्योर कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल दे देते हैं, प्री मेच्योर कॉन्सेप्ट ऑफ द होल एंड ऑफ इन जजमेंट डे का बता रहे होते हैं। दैट्स प्री मेच्योर इन अ फैक्ट कि वो बच्चा वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने की बजाय अल्लाह से डरना शुरू कर देता है। और आपने नोट किया होगा, आपको क्या मुझे क्या हम सबको अल्लाह से डराया गया है कि अल्लाह ताला जो है ना कोई तलवार लेके खड़े हुए बंदा मारने लगे हैं कि बस दोस्तियों को मारना। मैंने ये साइकोलॉजी मुस्तमा मुसलमान बच्चों को क्रिएट करके दी जाती है। आयरॉनिकली साहबा ऐसे ही साइकोलॉजी नहीं क्रिएट करते रहते। आप खुद देख लें साहबा के बच्चों के जो मामलात साहबा के साथ थे, वो एक दफा पढ़ें तब आपको पता चलेगा कि नबी इस्लाम से इन्फ्लुएंस लेने के बाद उन्होंने किस तरीके से बच्चों को और बड़ों को ट्रीट किया अलग अलग। अब ये बात के डिसिप्लिन की एज क्या है, तो डिसिप्लिन की एज जो है ना वो 12वें साल से शुरू होती है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, उस मतलब सोचें जरा, डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग को रूट से किल कर दिया जाए, रूट से ही खत्म कर दिया जाए। और रूट तक जाने के लिए उसको क्यों का आंसर देना पड़ेगा, और क्यों का आंसर बच्चे को समझ नहीं आ सकता। ठीक है, हम जिसको डिसिप्लिन समझते हैं ना, बेसिकली वो हमें भी एक करप्टेड साइकोलॉजी रेजिमेंटेशन को हम डिसिप्लिन समझ लेते हैं। जैसे आर्मी वाले जो सिपाही होते हैं उनको डिसिप्लिन किया जाता है, तो आर्मी वाला सिपाही डिसिप्लिन तो नहीं है, वो रेजिमेंटेड है। डिसिप्लिन तो उलमा कराम होते हैं कि जो सिगरेट नहीं पीते, जो ऑल फॉल नहीं बोलते, गीबत नहीं बोलते। डिसिप्लिन तो ये होता है, इस्लाम का डिसिप्लिन तो मोरालिटी के ऊपर है ना, एथिक्स के ऊपर है। एक बंदा सीधा खड़ा होता है, उसके कपड़े इस्त्री होते हैं, डिसिप्लिन थोड़ी है, ये तो रेजिमेंटेशन है। एक बंदा टाइम पे दफ्तर आता है, टाइम पे दफ्तर नहीं जाता, और
हम कहते हैं बड़ा डिसिप्लिन आदमी, बेसिकली वो अपने बॉस से डर के आ रहा है तो वो रेजिमेंटेड है, अल्लाह से डर के आ रहा है तो डिसिप्लिन है। आप इस कॉन्सेप्ट को ना इसकी साइकोलॉजी को जरा समझने की कोशिश करें एज अ मदर एंड फादर, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किस किस एंगल से उसको बता रहा हूँ, एंड दैट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग टू अंडरस्टैंड। एक बच्चे को जब अल्लाह का पता ही नहीं है तो वो अल्लाह से ना मोहब्बत करेगा ना डर डर लेके आएगा। आपने अगर अल्लाह ताला को एज अ लविंग बीइंग और एक बिगर मिशन के थ्रू, आपको पता चलेगा कि तमाम अंबिया उस मिशन को किस तरीके से नीचे लेके आ रहे थे कि वो, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा कि बनी इसराइल ने क्या किया और बनी जो है ना वो जो क्रिश्चियन ने क्या किया और नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी क्यों है, यहाँ तक चली जाती है बात। इतनी डीप बात है कि हमने वो कॉन्सेप्ट, बनी इसराइल ने वो कॉन्सेप्ट तोड़ दिया था कि जो इंसानियत का बेस कॉन्सेप्ट है ना, इंसान को अपने आप से अलग कर लिया था, अपने आप को बनी इसराइल और बाकियों को जेंटाइल बोलना शुरू कर दिया था। क्रिश्चियन ने अल्लाह के कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया था और उन्होंने अल्लाह ताला के साथ इंसान को यू नो कंबाइन कर दिया। मगर यू नो द थिंग अबाउट क्रिश्चियंस वाज दैट यू नो दे एक्चुअली मेड श्योर